अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद चौधरी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए टीम रेडी हो चुकी है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम होंगे, क्योंकि बाबर आजम से जो है टीम के चीफ सेलेक्टर ने फ़ाइनल टीम डिस्कस कर ली है। उसमें जो है शादाब खान होंगे। शादाब खान जिस तरह पहले वाइस कैप्टन थे, अभी भी शादाब खान वाइस कैप्टन होंगे, जबकि ओपनिंग के लिए पाकिस्तान की वही जोड़ी होगी। अभी तक जो है इमामुल हक और फ़खर जमान का नाम लिया जा रहा है। इमामुल हक के साथ जो है ओपनिंग फ़खर जमान करेंगे। इमामुल हक ज़रा फॉर्म में हैं, लेकिन जो फ़खर जमान है वो इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड कप में वो फॉर्म में आ जाएंगे। तो बाबर इमामुल हक के साथ जो है फ़खर जमान होंगे ओपनिंग बैट्समैन। फ़खर जमान का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन आजकल उन पर बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है अगर बात करें तो उसामा मीर, मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद रिजवान जो कि आपको पता है विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपर के मुतबादिल भी रखा गया है। मोहम्मद हारिस को रिज़र्व प्लेयर में रखा गया है। मोहम्मद रिजवान के बाद अगर मोहम्मद रिजवान को कुछ होता है तो मोहम्मद हारिस खेलेंगे। उसामा मीर ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सलमान अली आगा टीम में शामिल हैं। सलमान अली आगा ने फाइनल 15 जो खिलाड़ी हैं उनमें अपनी जगह बना ली है। सऊद शकील को भी खिलाया जा रहा है। सऊद शकील का भी 15 रुकनी जो टीम है उसमें नाम आ चुका है। उसके अलावा जो है अब्दुल्ला शफीक बड़े स्ट्रॉन्गली वापस आए हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने जो आखिरी मैच में परफॉर्मेंस दी है उसके बाद जो है अब्दुल्ला शफीक को भी कंसीडर किया गया है 15 खिलाड़ियों में। अब अब्दुल्ला शफीक वापस आ गए हैं। अब ये पाकिस्तानी 15 रुकनी टीम है। अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी हमारे अटैकिंग पेस बॉलर होंगे। शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो दूसरे बॉलर होंगे वो हारिस रऊफ होंगे। हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं, उनके पसलियों में दर्द था, वो पसलियों के दर्द का जो इशू है वो ख़त्म हो चुका है। मोहम्मद हारिस मुकम्मल तौर पर फिट हैं। जबकि तीसरे जो फास्ट बॉलर होंगे वो वसीम जूनियर होंगे। वसीम जूनियर के साथ फ़हीम अशरफ का जो नाम था, फ़हीम अशरफ का नाम कट चुका है, अब वसीम जूनियर हैं। वसीम जूनियर के बाद हमारे पास बैट्समैन में अभी इफ्तिखार अहमद जो कि चाचा इफ्तिखार के नाम से मशहूर हैं, उनका नाम भी 15 रुकनी टीम में शामिल है। मोहम्मद नवाज़ भी होंगे। अब अगर मगर की बात शुरू हो चुकी है। जो सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम के दरमियान बातचीत चल रही है उसमें हसन अली जो कि रिप्लेसमेंट बताए जा रहे हैं नसीम शाह की, उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं दूसरे उम्मीदवार फास्ट बॉलर जो हैं वो जमान खान है। हसन अली खेलेंगे या जमान खान खेलेंगे, इन दोनों के नाम अभी तक फाइनल नहीं हो चुका, क्योंकि जमान खान जो है वो डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जबकि हसन अली जो है वो मिडल में आकर विकेट लेकर पाकिस्तान को दोबारा मैच में वापस ले आते थे। अब जमान खान भी बड़े अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ओवर्स किए आखिरी मैच में, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की उनका नाम भी कंसिडर किया जा रहा है। मोहम्मद नवाज़ को आपको पता है वो तो पाकिस्तानी 15 रुकनी टीम में पहले ही से एशिया कप के जो स्क्वाड था उसमें शामिल हैं। मोहम्मद नवाज़ 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। अब एक्सपर्ट फास्ट स्पिनर की बात करें तो पाकिस्तान इब्रार अहमद जो कि मिस्ट्री जिनको स्पिनर कहा जाता है उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको टीम में 15 रुकनी टीम में लाया जा रहा है। इनका मुकाबला है उसामा मीर के साथ। उसामा मीर खेलेंगे या इब्रार अहमद खेलेंगे, इन दोनों के दरमियान जो टाई है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इब्रार अहमद खेलेंगे, उसामा मीर को चांस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। मोहम्मद आमिर का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद आमिर के वापसी के अभी तक कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट नहीं वापस नहीं ली, वो पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। अब ये वही अगर मगर शुरू हो जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के आखिरी दिनों में एक फास्ट बॉलर की रिक्वायर्ड थी, तो मोहम्मद आमिर तो अभी तक अगर मगर में शामिल हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस जो हैं वो रिज़र्व प्लेयर में शामिल किया गया है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं। तो अगर मोहम्मद रिजवान को कुछ होता है तो रिज़र्व प्लेयर के तौर पर मोहम्मद हारिस जो हैं वो हमारे बैक एंड पे होंगे। अब जो है फास्ट बॉलर हसन अली होंगे, जमान खान होंगे, कौन होंगे ये इसका फैसला चंद दिनों में हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।